आत्मी प्रधानक होते हैं और आत्मी माइकल के अभिनायक हैं। माननीय प्रधानमंत्री, एक साथ आप लोगों ने इतना सवाल पूछ लिए हैं, ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बेनिफिट देना पड़ेगा। आपको मन में एक हेल्प छापे चर्चा 2022 का जो कार्यक्रम अभी आपके विद्यालय में चल रहा है, किस तरह से इसका आयोजन हो रहा है और बच्चे को क्या लाभ हो पाएगा इससे? ये देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो लगाव है बच्चे के साथ, वो चीज़ दर्शाता है यहाँ पे। लगातार जैसे 4-5 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चे के साथ बात करते हैं, क्योंकि परीक्षा के रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रेस बच्चे का मन में होता है, बच्चे का परिवार का संबंधित, ये सब स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे अच्छा तरीके से एग्ज़ाम दे और अच्छा नागरिक देश का बने, इसी के सिलसिले में प्रधानमंत्री जी अभी वार्तालाप कर रहे हैं, बच्चों का क्वेश्चंस को ले रहे हैं और बहुत ही बढ़िया से बच्चों का क्वेश्चन का आंसर्स दे रहे हैं। और हमारे स्कूल में जितने सारे बच्चे आए हैं आज लगभग 9 रूम में हम लोग व्यवस्था की है, सब बच्चों को स्क्रीन लगा के बढ़िया से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बैठे हुए बच्चे देख रहे हैं और बच्चे बहुत उत्साहित है। 2-3 दिन से जैसे खबर मिला है कि प्रोग्राम होने वाला है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और आप लोग भी आए हैं इस प्रोग्राम कवरेज करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उम्मीद, इस प्रोग्राम से हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत लाभान्वित होंगे बच्चे। और इसके साथ और भी कुछ कार्यक्रम है, जैसे कोई कविता लिखन है, स्टोरी राइटिंग है, ये सब बहुत सारे कार्यक्रम आया कि हम लोग को भी नोडल सेंटर ऑफिसर बनाया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से, ताकि इस प्रोग्राम सब पेरेंट्स उठाए, तो सबको पूरा दिशा निर्देश दिया गया, उसी सिलसिले में अभी काम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। अभी आप प्रोग्राम जाएंगे तो अंदर देख पाएंगे, प्रोग्राम चल रहा है। कितने देर का ये प्रोग्राम है? ये आज अभी जस्ट शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है 1.5-2 घंटे तो मिनिमम होगा ही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम असीम नाथ है, प्राचार्य। किस पद पे हैं आप? यहाँ प्रिंसिपल हैं, यहाँ पे